हाँ जी, मुझे तो इतना पता है कि शॉट इज़ द लार्जेस्ट इंडोर एंटरटेनमेंट एरिया इन मुंबई एंड इट्स मोर देन 25,000 स्क्वायर फीट आई एम टोल्ड. और मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे प्री लॉन्च पे आए हैं एंड दे टोल्ड मी कि बहुत मज़ा आया, खासकर आपको बोलिंग का शौक है. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड बोलिंग स्पार्क्स, राइट? स्पार्क बोलिंग, जहाँ पे सॉर्ट ऑफ बोलिंग मिक्स्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी है. कुछ नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. दे हैव लेज़र वॉर्स, दे हैव आर्केड गेमिंग, तो बहुत कुछ है जहाँ पे आप इंडोर स्पेस में अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं. ऐसी जगह पर सुहागी अपना टाइम कितना स्पेंड करती है एंड कितना करती है? आई थिंक स्पेशली अभी क्योंकि गर्मी तो शुरू हो गई है तो बाहर खेलना बहुत मुश्किल है और छोटे छोटे बच्चे हैं सबके पास, तो उनको कैसे एंटरटेन करें. और हम चाहते हैं कि ज़्यादा टीवी के सामने उनको एंटरटेन नहीं करें, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा बढ़ता है. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं या अगर आपके दोस्त हैं तो इट्स अ गुड प्लेस टू कम, वे यू कैन बीट द हीट, यू कैन हैव फन एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी सेफ स्पेस. सो इट्स आई थिंक द बेस्ट वे टू स्पेंड द समर. Certainly it is a great privilege moment for us to have her here, and we've opened up about 25,000 plus square feet in Mumbai, which is a very big space for entertainment. And Sohaji uska inauguration kar rahe, so that's cherry on the cake for us. Thank you so thank much you. For not at all, thank you. I've cut my nails so that I can go bowling. I never had long nails anyway. अभी मैं अंदर जाके देखूंगी. आई एम एक्साइटेड अबाउट बोलिंग, आई एम एक्साइटेड अबाउट सम ऑफ द गेम्स एंड जस्ट सीइंग द स्पेस एंड सीइंग के क्या क्या अवेलेबल है. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं कि आपको कमा करने वाले. एक प्रोजेक्ट है अमेजोन के साथ जिसका नाम है हशाश, उसके डायरेक्टर है तनुजा चंद्रा, इसमें जूही चावला मैम है और कृतिका कामरा, शहाना गोस्वामी, और एक सोशल ड्रामा थ्रिलर स्पेस में है. तो अभी शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा पैच वर्क बाकी है एंड आई थिंक इट विल रिलीज सून इन द समर ओनली ऑन अमेज़न. दिस इज़ आई थिंक मुझे पता नहीं, आई थिंक जुलाई शायद अगस्त में रिलीज होगी, बट आई रियली डोंट नो, दे हैव टू अदर पीपल विल डिसाइड. जॉनर क्या होगा? सोशल ड्रामा स्लैश थ्रिलर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Yeah, thank you. I'm happy.
अरे 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 तुम हो यहाँ पे, हाय कौन, मेरा नाम सुना है तो हाय थैंक यू यहीं से है ना? यस थैंक यू गाइस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यार, इट्स अ न्यू प्लेस, हम एक्सप्लोर करेंगे, बढ़िया सी जगह है, लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स फॉर अस। यस, मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए आज क्योंकि वी आर वाही यहाँ पर नहीं है, हमारा शो है जो हम साथ में बना रहे हैं उसका एक रैप अप हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, सो हमारी पूरी टीम यहाँ पर होगी, सो दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट। यस बिल्कुल, होपफुली तुम आओगे कि नहीं आओगे, बोलिंग खेलते हो कि नहीं खेलते? अरे आप बॉलिंग बे, बैटिंग बॉलिंग नहीं बे, अरे थैंक यू। हाँ जी यार, ये एरिया में होना बहुत ज़रूरी था बिकॉज हमें खेलने के लिए ऑल द वे टाउन जाना पड़ता था, एंड दिस इज़ अ गुड स्पेस, सो आई होप दैट पीपल लाइक इट, एंड या कम ऑन। जीवन में रोमांस भरा पड़ा है, मैं क्या करूँ दोस्त, रोमांस की कमी नहीं है। थैंक यू, सी मेरे पास। Yeah.
ए क्या कर रहे थे किया ना बस आओ यार तुम लोग आगे चले जाओ पूरा हाँ अरे हीरो अरे भाई फोटो लेगा भाई उस साइड आ जाए ना फिर घर से खड़ा है वो Hello. Hello.